ए रुक हम पकड़ रुक ए पकड़ उसको पकड़ 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 रुक रुक जा टन्नू रुक ए रुक जा टन्नू तुम बच नहीं सकते कहां जा रहा है रुक मोटे अबे किधर चला गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इतने अचानक कहाँ चला गया? हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना चाहिए। कंट्रोल रूम? वो लड़का टन्नू मोटा भाग गया। चलो उधर देखते हैं। क्या रे पोट्टे गए उनो काय को छुप रहा पुलिस से? काय को छुप रहा रे? क्या कर रहा? बोल रे क्या स्टोरी है तेरी? बताता कि खाता क्या है? बोल आई बोल गए। ये किसके लिए कह रहे थे? ये आप भी जानते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है सिंपल समझ अपनी बात को। मेगा आई। ओ मेगा मेरी कॉफी रेडी हो गई? हाँ हाँ हो गई है, बस दो मिनट में ला रही हूँ। क्या टीवी पे दिखाते रहते दिन भर, वही लड़ाई, ये वो, उसको मार दिया, ये वो, उसको मार दिया, इसको मार दिया, बकवास हो गया। ऊपर से ये मेरा दामाद मेरी बेटी से सारा दिन कॉफी लाओ कॉफी लाओ, टीवी देखेगी कॉफी देगी। आप न्यूज देखो? हाँ देख रहे। कॉफी? अरे वाह। पापा आपके लिए भी ले आऊं कॉफी? नहीं बेटा मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। ठीक है दे दो इनको। अच्छा, भी कॉफी। अच्छा सुनिए ना, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, घर का कुछ सामान खत्म हो गया है, मार्केट से जाकर लेकर आना है। ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी पता चला है कि एक बहुत ही शातिर और साइको किस्म का अपराधी जिसका नाम टन्नू बताया जा रहा है पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी बहुत ही साइको किस्म का था। इसके ऊपर दो मर्डर अटेम्प्ट के अलावा अपनी टीचर को हरेशमेंट करने के चार्जेस भी लगे हुए हैं। जी, वो पुलिस कस्टडी से भाग गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ में आकर फिर से कोई प्रॉब्लम करे। मेघा मेघा शांत हो जाओ। अरे वो बच्चा है, वो पुलिस कस्टडी से भागा है, उसके दिमाग में इतना क्या रहेगा, कहाँ कहाँ भागेगा, पुलिस उसे झट से पकड़ लेगी। अरे पगली डरते नहीं मैं हूँ ना। हाँ बेटा मेघा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करता हूँ।
घबराने का नहीं। और सुनो, मैं लोन में जा रहा हूँ, मेरी कॉफी वहीं दे देना और प्यार से बनाना जरा, ठीक है? चलो मैं भी चलता हूँ ऑफिस। और सुनो, बिल्कुल घबराना नहीं, ये न्यूज़ वाले हैं ना, खामोखा डराते रहते हैं, और तुम्हारे पापा भी ना पूरा दिन ऐसे ही न्यूज़ देखते रहते हैं। घबराना नहीं, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ओके? ठीक है, बाय। ये लीजिए पापा कॉफी। हाँ ठीक। अरे एक कप तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मूड नहीं है। आकाश ऑफिस चला गया? हाँ जी पापा। अरे बेटा मैगना, सुनो इधर आओ, बैठो, तुमसे बात करनी है। बेटा ऐसे उदास रहने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा? मान ले अगर सब ठीक हो जाता है तो मैं भी उदास रहता हूँ। लेकिन पापा, टुन्नू ने जो मेरे साथ किया मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? बेटा इतना सोचने की क्या बात है, पुलिस आज नहीं तो कल उसे पकड़ ही लेगी। तूने वो डायलॉग नहीं सुना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या पापा, ऐसे हंसती हो तो कितना अच्छा लगता है, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लगती है। अच्छा बेटा, आकाश ने मुझे बताया था कि अखिल आने वाला है। जी पापा। उससे तो तुम्हारी बहुत अच्छी जमती है। जी। बस क्या, एंजॉय करो, छोड़ो मोटे हाथी को, देख लेगी पुलिस। जी। कितनी जी अच्छी बेटी है मेरी। आईगे पोट्टे, तेरी बात सुना सो मेरी अखिया में पानी आ गया कते, तेरी स्टोरी में दम है, पन अभी आगे क्या करने का कुछ प्लान करा क्या? पहले तो मेरी टीचर मेगा को किडनैप करना पड़ेगा। बाबा बाबा बाबा, किडनैप करने का? आई किडनैप करे सो मेरे को क्या मिलता, बंडा? देखो पैसे तो बहुत है मेरे पास, पर अब ये है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। देता? पक्का देता। कुछ तो सोचना पड़ता रे, कुछ तो भी प्लान बनाना पड़ता जी, तेरी कहानी में बहुत दम मेरे छोकरे, करना पड़ता। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखू कि प्यार करूं, मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं।
टुन्नू इज बैक। मैं आ रहा हूँ टीचर आपको लेने। आपके और मेरे बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। आप सिर्फ मेरी हो, मेरी। आई लव यू टीचर। सुनो, कब तक यूं उदास रहोगी? एक काम क्यों नहीं करती, फिर से बच्चों का ट्यूशन लेना शुरू कर दो ना, तुम्हारा एटलीस्ट मन तो बहल जाएगा। ट्यूशन? नहीं नहीं, देखो आकाश, मैं नहीं चाहती कि हमारी लाइफ में कोई दूसरा टुन्नू आए। अरे पगली, वो टुन्नू पागल था, वो साइको बच्चा था, और जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा उसी की तरह पागल हो, हैं? आकाश, ये बात तुम बोल रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पापा के साथ, मेरे साथ, तुम मरने से बचे हो। मेघा, देखो, वो टुन्नू ना तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया था, वो एक तरह की बीमारी थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती, तुम दोबारा ट्यूशन लो, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है? प्लीज ऐसे उदास मत रहना, ओके? चलो मैं ऑफिस चलता हूँ। एक बात तुमसे कहना ही भूल गया जी? मेरा भाई अकेला आ रहा है आज शाम को, ठीक है? कुछ ऑफिस का काम है उसका। अच्छा, आज रात को ना पक्का साथ मिलकर डिनर करेंगे एक साथ, ओके? बस खुश रहो तुम। चलो बाय। और बताओ अखिल, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा भाभी, वैसे खाना बहुत टेस्टी है भाभी। थैंक यू। वैसे बेटा, इस घर को अपना ही घर समझो। कोई भी चीज की जरूरत हो याद करना आधी रात को। जी जी डैडी। वैसे अखिल, तुम्हारा फिटनेस सेंटर कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, अभी कुछ नए ब्रांच खोले हैं, इसलिए मैं मार्केटिंग करने यहाँ आया हूँ। गुड, अगर कोई कांटेक्ट चाहिए होगा तो मुझे बताना, ठीक है? जी भैया। क्या तुम भी खाने के टाइम पे काम की बात लेकर बैठ जाते हो? सॉरी। अरे अखिल, तुम इतने धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? ये लो चपाती। नहीं भाभी, पेट भर गया है। चल जरा नजाकत से चल, समझा क्या? और काम होने के बाद मेरे को पैसा होना मेरा, नहीं तो तेरे को ही मार दूं मैं, समझा क्या? आए आए, अरे कोई तो दे दो माँ, अरे कहाँ चले गए सबके सब? ए कौन सा करे? वैसे तो वो है, पर हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। अबे चल चल चल, ताला लगा है, ताला लगा, ऊपर से चल, ऊपर से चल। तेरी अकल में भी ताला लगा रे, चल चल। अबे अबे ए, 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 अबे गेंडे नीचे उतर, कहीं भी चढ़ जाता है, नीचे उतर। ए ए, मुझे गेंडा नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, गेंडा नहीं हाथी बोलूंगा, चल ठीक है, आजा बेबी एलिफेंट। ये यही घर है क्या? हाँ यही है, यही है। अरे यार, ये तो पैसे वाली पार्टी लगती है। हाँ कहाँ है, कहाँ है?
दिख रही नहीं? नहीं नहीं, शायद वॉशरूम में रहेगी। वॉशरूम में? चल वॉशरूम में से चलते। ओए हाँ, अबे मैं कौन सा तेरा माल मांग रहा हूँ, मेरे को तो मेरे माल से मतलब है। हाँ क्या करे क्या करे, अबे जाएंगे कैसे? चल चल चुप चुप के चलते। अबे चुप चुप के जाते, अबे जब छुप छुप के जाने का था तो एक किन्नर काय को बनाया साले मेरे को। हाँ? अरे हाँ रे, चल डायरेक्ट गेट से चलते, आजा। हाँ, आजा, 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 आजा। तू मेरा पिछू ही रहना, कुछ करना नहीं। तो ये साड़ी में भागने नहीं जमता। चुप 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 चुप। अबे हाँ? हरामी, भाग क्यों रहा है, आराम से चल। अरे नहीं, ए देखी क्या? अबे देख 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 देख, ए भाई भाई उठाने का कब है मेरे को बताना। हाँ अबे जब पैसे देने आएगी तब उठाएगा ना। तो आ पैसे भी लेते हैं और उठा भी लेते हैं। एक काम कर। हाँ। तू चुप ही रहना। हाँ, खाली ताली बजाना, चुप रहना, आवाज नको करना। हाँ चल। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चल चल। हाँ अरे बजेरा ही गाली तेरी माँ सुन रे गोटे में, बजेगा ही गाली तेरी माँ सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में, सुन रे गोटे में, बजेगा ही। ये हरामी तू भी नाचना। अरे बहन बड़ी माल मम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय 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 हाय, ये चांद के टुकड़े का तो मैं पूरा 501 लूंगी। हाँ इतने ही है बस मेरे पास। नहीं नहीं पूरे 501 लूंगी, ये चांद के टुकड़े का तो मैं पूरा 501 ही लूंगी। ले पकड़ बहन और लेकर आ। अरे पैसे मांगने के लिए आया क्या, उठाते ना। उठाऊंगा, अबे चुप ना, रात का झोल होने दे रहे। अबे साले, अबे साले साले बोल रहा। अबे गेंडे, अब भी उठा तू। हाय हाय जोड़ा सलामत रहे, अरे अल्लाह तुझे चांद सी औलाद दे। आए हाय मेरा चांद। अबे उठा उठा उठा, क्या रे तुम तो बोल रहे थे कि बड़े गुंडे हो यार, क्या है क्या एक किडनैप भी नहीं कर पाए? अबे चुप, मैं तो पैदाइशी गुंडा हूँ, मैंने बहुत किडनैपिंग की है, मुझे क्या पता। तेरे को पूछा था किसको उठाने का किसको उठाने का, तूने बोला माल है, मुझे क्या मालूम, तेरा माल भी तेरा हाथी का बच्चा निकलेगा। हाथी का बच्चा नहीं बोलने का। हाँ। अपना माल है वो। ठीक है ठीक है, गेंडे का बच्चा बोलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आगे क्या प्लान करने का वो बता। आगे का प्लान सोचना पड़ेगा, तब तक यार ये साड़ी तो उतार लेते, अजीब लग रहा है यार। हाँ उतार, हाँ उतार। साले बोलते गुंडे 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 घंटा गुंडे गुंडे से इचड़ा बना दिया मुझे। वो तो तुम हो। इंस्पेक्टर साहब, हमें कानून पर पूरा भरोसा है। सर देखिए, मैंने अकेले पूरे मेहनत से टुन्नू के खिलाफ सारे सबूत जमा किए और उसे कानून के हवाले कर दिया। सर मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया।
मिस्टर आकाश, आप कानून पर पूरा भरोसा रखिए। टुन्नू को पकड़ने के लिए हमारी टीम जगह जगह दबिश डाल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम टुन्नू को जल्द से जल्द पकड़कर जेल में डाल देंगे। हमें उम्मीद नहीं, रिजल्ट चाहिए इंस्पेक्टर साहब। वो हाथी का बच्चा हमारे घर तक आ गया मेरी बेटी को उठाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ अखिल घर पे था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसे पकड़िए, इसके पहले कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए। आई क्या मारा पोट्टा उनो मेरे को। अरे धक्का मारा सो दीवारिच लग गई रे। आई 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 भाग भाग को मेरे घुटने में दर्द हो गया सो तेरे चक्कर में। क्या तो भी होना देख, अब तो ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल है रे। तू मेरे को पैसे की लालच दिया तो मेरी अखिया में पानी आ गया कते। आई बा, अब क्या करना। वो सब तो ठीक है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो टीचर के घर पे मैं पंची कौन है। पंची? आई मेरे को क्या मालूम बा कौन है वो पंची। बहुत मारा उनो, अब तो कुछ करना ही पड़ता यारो, नहीं तो और क्या क्या मुर्दा डालता उनो मेरे को क्या मालूम। हाँ पॉइंट है। आई क्या सोच रू, मेरे पास एक रापचिक आइडिया है। क्या? करता सुन। हाँ। आ गया काका। हाँ। इसको कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। ठीक से देखिए। सही नहीं देखा। क्या है सर? जोर से आई थी। इसको देखा है? नहीं देखा सर। अगर कहीं दिखे तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो। इधर उतरेगा नहीं सर। इसको जानते हो? नहीं जानता। कहीं देखा है? नहीं देखा सर। नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं नहीं। अगर कहीं दिखे तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो। निकलो। आपने इसको देखा है? गौर से देखो इसको, कहीं आते जाते ठीक है, दिखे तो इन्फॉर्म करो। अरे क्या कर रहे हो? मेगा, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, करने दो, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, मुझे काम खत्म कर दो। तो ठीक है ना, हमेशा तो ऑफिस का काम ही करते हो, मेरे साथ कभी टाइम नहीं बिता। अरे बाबू मैं करता हूँ ना, ठीक है आज का दिन दे दो मुझे। अरे नहीं, मैंने फाइल सेव नहीं किया मैंने। थोड़ा सा ही काम करने दो, उसके बाद ठीक है, बाद में। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ अभी। आह लग गया। सो जाऊं मैं? अरे नाराज हो गई तुम तो। बेबी मुझे काम करना है। बेबी सुना, हटो। अरे हटो,